देखो मेरी इस बात को सीरियसली लेना, अगर तुमको अवतार द वे ऑफ वाटर या फिर कहो तो छोटे शब्दों में अवतार का पार्ट टू देखना है थिएटर में जाके कम पैसों में, तो फिर बुक माई शो से टिकट्स मत बुक करना प्लीज। और मैं ये कोट कर रहा हूँ, डोंट यूज बुक माई शो टू बुक योर ऑनलाइन टिकट्स, क्योंकि देखो बुक माई शो पे अगर आप लोग टिकट्स बुक करने जाओगे तो फिर मैं बताऊंगा कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन अगर आपको सस्ते में टिकट्स बुक करनी है, आपको ज्यादा पैसे नहीं देने टिकट्स के लिए बल्कि कम पैसों में ही आपका टिकट बुक हो जाएगा, तो फिर क्यों नहीं भाई। तो फिर देखो सबसे पहली बात ये कि आपको बुक माई शो खोलना ही नहीं है, प्लीज बुक माई शो खोलना है मत, उसको डिलीट कर दो अपने मोबाइल में से, क्योंकि वो किसी काम का नहीं है। अगर आपको ऑनलाइन मूवी टिकट्स बुक करनी है तो आप दो ऐप्स यूज कर सकते हो, पहला ऐप है पेटीएम, हाँ पेटीएम आप लोग यूज करो, उस पर आपको ऑफर्स मिलने वाले हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है ना तो फिर पेटीएम का ऐप खोलो अपना, वहां पर जाओ मूवी टिकट्स के ऑप्शन में और वहां पर क्लिक करके जो है आप लोग ऑफर्स पर जाना, और आपको बहुत सारे ऑफर्स देखने को मिलेंगे जिसमें से मैं आपको कुछ ऑफर्स बताऊं। पेटीएम में से मैं बात कर रहा हूँ, बुक माई शो पर कोई ऑफर नहीं मिलता आपको, मैं बात कर रहा हूँ पेटीएम की। तो फिर पेटीएम पर जो है ना आपको मूवी टिकट्स बुक करने पर ऐसे कुछ ऑफर्स मिलते हैं, जैसे कि आप लोग अगर दो मूवी टिकट्स बुक करोगे तो फिर आपको सिर्फ एक का ही प्राइस पे करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो फिर एक टिकट आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी, लेकिन उसके लिए भी कुछ शर्तें हैं कि आपके पास या तो एक्सिस बैंक का या फिर कहो तो IDFC का या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, ये कंपलसरी है। अगर आपके पास इन तीनों बैंक्स में से किसी का भी क्रेडिट कार्ड है तो फिर आप लोग ये ऑफर अप्लाई कर सकते हैं पेटीएम से ऑनलाइन टिकट्स बुक करते हुए, कि आपको जो ना दो टिकट्स खरीदनी है उसमें से आपको सिर्फ एक टिकट का ही प्राइस देना पड़ेगा। मान लो दो टिकट्स का प्राइस हो रहा है 400 रुपये और एक टिकट का प्राइस हो रहा है 200 रुपये, तो फिर आपको दो टिकट्स बुक करने पर 400 नहीं बल्कि सिर्फ 200 रुपये देना पड़ेगा, अगर आपके पास एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर IDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है तब। और पेटीएम से बुक करने पर जो ना आपको एक और ऑप्शन मिलता है कि अगर आपके पास सिटी बैंक का डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड है, दोनों में से कोई भी कार्ड है, तो फिर आपको 150 रुपये की कैश बैक मिल जाएगा, यानी समझ रहे हो आपके अकाउंट में वापस से 150 रुपये आ जाएंगे। तो फिर क्यों नहीं आप लोग यूज करोगे, अगर आपके पास इनमें से कोई डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड है तो फिर जरूर यूज करना पेटीएम। और सबसे पहली बात तो ये कि तुम लोग ये बुक माई शो हटा दो मूवी टिकट बुक करने के लिए, क्योंकि इससे घंटा कुछ फायदा होता है। और देखो अगर आप लोग पेटीएम से बुक नहीं करना चाहते और आप लोग देखना चाहते हैं मूवी को इनॉक्स में या फिर कहो तो आईनॉक्स में, जो भी आप लोग कहते हो जैसे प्रोनाउंस करते हो, तो फिर जो है ना आप लोग आईनॉक्स का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उसमें भी जो है ना कुछ ऑफर्स मिलते हैं। आप लोग जितनी बार मूवी टिकट्स बुक करोगे उसके लिए आपको कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, और उन रिवॉर्ड पॉइंट का यूज करके जो है ना आप लोग अपने टिकट्स का पेमेंट कर सकते हैं। जी हाँ, मैंने अभी तक ऑलमोस्ट 3-4 महीने में 8-10 मूवीज देख ली और मेरे पास अभी ऑलमोस्ट रिवॉर्ड पॉइंट्स है 600 से 700 के करीब, तो फिर मैं जो है ना वो पूरे 700 पॉइंट्स लगा सकता हूँ टिकट्स खरीदने में। हाँ, मुझे मेरी जेब से 1 रुपया नहीं जाएगा बल्कि उन रिवॉर्ड पॉइंट्स से जाएगा, तो फिर ये भी एक बहुत अच्छा ऑफर होता है। और यही नहीं, अगर आप लोग आईनॉक्स में या फिर कहो तो इनॉक्स में मूवी देखने जाते हो और अगर आप लोग ऑनलाइन बुक करते हो कोई टिकट और ऑनलाइन टिकट के साथ आप लोग ऑनलाइन ही फूड एंड बेवरेजेस ऑर्डर कर देते हो, तो फिर आपको 30% डिस्काउंट देखने को मिलता है उन पर, यानी खाने पीने की चीज़ों पर 30% आपको डिस्काउंट मिलता है अगर आप लोग ऑनलाइन बुक करते हो खाना पीना इनॉक्स में, तो फिर ये भी बहुत बड़ा फायदा है। तो फिर क्यों तुम लोग बुक माई शो के ऐप से इतना ऑब्सेस्ड हो, डिलीट कर दो उसको। मूवी टिकट्स के लिए तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करता बुक माई शो, या तो आप लोग पेटीएम यूज करो या फिर अगर आप लोग इनॉक्स में जाना चाहते हो तो फिर इनॉक्स का ऑफिशियल ऐप यूज करो ना, आपको 30% डिस्काउंट मिलने वाला खाने पीने की चीजों पर, हालांकि वो फिर भी महंगा ही होता है लेकिन कोई बात नहीं। और अगर आपको और भी कुछ फायदे जानने हैं मूवी टिकट्स कैसे बुक करते हो तो फिर उन सब पर भी जो मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा अगर तुमको जानना है तो, वरना मैं तो बैठा हो कुछ और वीडियो बना दूंगा। तो फिर अब टाटा।